भजन संहिता अध्याय 33। भजन संहिता अध्याय 33। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करनी सो होती है। बिना बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो। दस्तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है, उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा के करुणा से पृथ्वी भरपूर है, आकाशमंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर की नाई इकट्ठा करता, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा अन्य जातियों की युक्तियों को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही है जो उन सबों के हृदयों को गढ़ता और उनके सब कामों का विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके, वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकते। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके डरवैयों पर है, और उन पर जो उसकी करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है, कि वह उनके प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो।